प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली टोंक राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज मैं एमडीएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट सेकंड में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पेपर जो चलता है, जो उद्यमिता के आधारभूत तत्व फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, उसमें अब तक हमने उद्यमी की प्रकृति पढ़ी। अब ये उद्यमी के बारे में जो है दो टॉपिक पे आज बताऊंगा मैं। एक तो टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, एक उद्यमी और प्रबंधक में क्या अंतर होता है, और दूसरा है उद्यमी तथा पूंजीपति में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्यमी एवं प्रबंधक में अंतर। कुछ आधारों पे हम बात करेंगे। हमने ये आप देख रहे हैं कि हमने ये 11 आधार लिए हैं। पहला आधार है नवाचार का। उद्यमी नवाचार करता है तथा उनका नवाचारों का व्यावसायिक उपयोग करता है। उद्यमी जो है वो नवाचार करता है, यानी या तो कोई नई वस्तु का आविष्कार करेगा, या कोई नई तकनीक अपनाएगा, या उत्पादन के कोई नए तरीके अपनाएगा, या किसी वस्तु में सुधार करेगा। तो इस तरह से वो नवाचार करता है और उनका व्यावसायिक उपयोग करता है। जबकि प्रबंधक जो है स्थापित जो उपक्रम है उसका संचालन करने का कार्य करता है, अतः वह यथास्थिति में कार्य करता है तथा प्रायः नवाचार नहीं करता है। नवाचार तो कौन करता है? उद्यमी करता है। तो यह अंतर है कि उद्यमी जो है वो नवाचारी होता है। दूसरा अंतर का आधार है जोखिम। उद्यमी नवाचार करने, उपक्रम स्थापित करने एवं संचालन करने की जोखिम वहन करता है। यह अपने कार्य में भारी जोखिम भी उठाने के लिए तैयार रहता है। यानी उद्यमी जो होता है वो साहसी होता है और वह नवाचार करता है। तो नवाचार और नए तरीके से कोई कार्य किया जाता है या कोई नया कार्य किया जाता है तो उसके सफलता जो है वो अनिश्चित रहती है, सफल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और उद्यमी ही जो है वह जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो अंतर का आधार है जोखिम, तो ये उद्यमी जोखिम उठाता है, जबकि प्रबंधक उपक्रम की स्थापना एवं संचालन में कोई जोखिम नहीं करता है। वह अपने कार्य में सामान्य जोखिम उठाने को तैयार रहता है। मतलब अपना जो कार्य है उसकी सामान्य जोखिम है कि अगर उसमें लापरवाही रहती है तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्य पूरा नहीं करता तो उसको आर्थिक नुकसान हो सकता है, बाकी उसको वैसे कोई नुकसान होता नहीं है। तीसरा जो अंतर का आधार है उद्यमी का पुरस्कार लाभ नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान एवं अहम की संतुष्टि भी होता है। लाभ तो ऐसे तो सही है कि व्यवसाय जो है वो लाभ और आर्थिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन उद्यमी जो होता है उसका एक लक्ष्य और होता है कि वह समाज में अपना स्थान और सम्मान जो है अहम की तुष्टि के लिए भी कार्य करता है। कई बार ऐसे होते हैं जो मतलब आर्थिक रूप से अच्छे हैं पहले से ही, और उनको इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि वो अपने इच्छाओं को पूरा करें, इसलिए जो है उनका पुरस्कार जो है वो होता है लाभ के अलावा संतुष्टि होता है। जबकि प्रबंधक का पुरस्कार मूलतः वेतन भत्ते के रूप में ही होता है। अगला चौथा अंतर का आधार है अभिप्रेरणा। उद्यमी उच्च उपलब्धि की अपेक्षा से पर अभिप्रेरित होता है, मतलब कुछ ऊंची उपलब्धि चाहिए उसको, उससे अभिप्रेरित होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। अच्छा, इसमें जो प्रबंधक है
वो अपनी भौतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से अधिक अभिप्रेरित होता है। स्वतंत्रता, अगला है स्वतंत्रता। उद्यमी स्वतंत्र व्यक्ति है जो अपने स्वेच्छा से नवाचार तथा उपक्रम की स्थापना एवं संचालन करता है, वह किसी का अधीनस्थ नहीं होता है। उद्यमी जो है स्वतंत्र व्यक्ति है और अपनी स्वेच्छा से करता है, यानी उसके अंदर से उत्पन्न होता है और अपनी इच्छा से ही वो नवाचार करता है, नए उपक्रम लगाता है, किसी के अधीन नहीं होता, वह स्वतंत्र व्यक्ति होता है। जबकि प्रबंधक एक वेतन भोगी कर्मचारी होता है, उसके ऊपर कई अधिकारी हो सकते हैं तथा नीचे कई अधीनस्थ भी हो सकते हैं। अतः वह प्रबंधकीय व्यवस्था में कार्य करता है, न कि स्वतंत्र एवं स्वेच्छा से। फिर है गुण एवं चातुर्य। उद्यमी में पहलपन, सृजनात्मक नवाचारिता, अंतर्दृष्टि, जोखिम वहन करने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि के गुण होने आवश्यक हैं। उद्यमी में मतलब पहलपन है, सृजनात्मक यानी कुछ नवीनता, नवाचारिता, अंतर्दृष्टि, जोखिम वहन के करने की क्षमता, ऐसे चातुर्य, ऐसे गुण होते हैं। प्रबंधक में अलग तरह के गुण होते हैं। प्रबंधक में तकनीकी, मानवीय, वैचारिक, विश्लेषणात्मक एवं प्रशासकीय गुणों का होना आवश्यक है। प्रशासकीय गुणों का होना आवश्यक है। फिर अगला सातवा है उपक्रम की स्थापना एवं संचालन। उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। प्रबंधक केवल उपक्रम के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। फिर है कार्यों की प्रकृति। उद्यमी नवाचार करता है तथा उत्पादन संसाधनों के संयोजन में परिवर्तन करके उत्पादकता में अभिवृद्धि का प्रयास करता है। उद्यमी नवाचार करता है, उसकी प्रकृति जो है, तथा उत्पादन के संसाधनों के संयोजन में परिवर्तन करके, यानी कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज करके उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास करता है। अब ये उसके उत्पादकता मतलब ये है कि वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है उसमें प्रोडक्टिविटी से मतलब है। और प्रबंधक सामान्यतः उपक्रम के दिन प्रतिदिन कार्यों का प्रबंध करता है। फिर दौलत, कार्यों में निरंतरता। कार्यों में निरंतरता, उद्यमी कार्य निरंतर नहीं कर चलता। उद्यमी का कार्य वह उत्पादन तकनीक या उत्पादों में परिवर्तन के लिए प्रकट होता है, तत्पश्चात वह तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि पुनः किसी नए परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। यानी वो नया परिवर्तन करता है और वो उसको एक सिस्टम को बना देता है और सिस्टम को हैंडओवर कर देता है। जबकि प्रबंधक का कार्य तो जो उसको काम मिला है वह निरंतर चलता रहता है। उसका कार्य प्रबंध प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उपक्रम चलता रहता है। वह संसाधनों एवं कार्यों में निरंतर समन्वय ही करता है। फिर दौलत सृजन एवं प्रशासन। उद्यमी दौलत का सृजन करते हैं। उद्यमी क्या है कि वेल्थ का प्रबंधक, दौलत का प्रशासन करते हैं। वो प्रशासन करते हैं कि कैसे मतलब काम ये जो है पूंजी वगैरह और व्यवसाय को कैसे चलाया जाए, इसको काम में कैसे लिया जाए। और लास्ट में है स्वामित्व एवं प्रबंध। उद्यमी अपने उपक्रम पर पूर्ण स्वामित्व एवं प्रबंध का अंतिम अधिकार रखता है, जबकि प्रबंधक को स्वामित्व का अधिकार नहीं होता। उसे प्रबंधक का भी अपनी स्थिति के अनुसार सीमित अधिकार ही होता है। अब हम जो है आते हैं अगले पॉइंट पे, जो लगता है कि उद्यमी पूंजीपति तो एक ही होता होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के युग में जो पैसा लगाता था वो ये उपक्रम की स्थापना करता था, उसी को विचार आते थे, पहल करता था, पूंजी लगाता था। लेकिन समय के साथ साथ जो है वो व्यापार के आकार बढ़ते गए, तब पूंजीपति अलग से होने लग गए हैं।
तो उसमें अंतर के कुछ आधार लिए हैं, वो 8 आधार आप देख रहे हैं वो लिए हैं। उसमें सबसे पहले है अंतर का आधार, वो है अर्थ। उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो कोई नवाचार करता है तथा उस नवाचार को अंगीकार करने हेतु किसी संगठन को स्थापित एवं संचालित करता है। उद्यमी जो है वो नवाचार तो करता है और उसको नवाचार को अंगीकार करने हेतु संगठन को स्थापित और उसको लागू करने के लिए संगठन को स्थापित एवं संचालित करता है। और पूंजीपति वह जो उस व्यवसाय को स्थापित एवं संचालित करने हेतु पूंजी उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला है कार्य। उद्यमी का प्रमुख कार्य अवसरों को खोजकर नवाचार करना तथा नवाचार को अंगीकार करने हेतु संगठन स्थापित करना एवं संचालन करना। उसका कार्य क्या है? कार्य अवसरों को खोजता है, नवाचार करता है और उसको लागू करके संगठन स्थापित एवं संचालित करता है। संचालित करने में वो जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ, वो उसकी एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें प्रबंधक भी शामिल होता है और विभिन्न साधन होते हैं। जबकि पूंजीपति का प्रमुख कार्य उद्यमियों को खोजना एवं उन्हें पूंजी उपलब्ध कराना है। फिर है कार्य की प्रकृति। उद्यमी का कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण है। पूंजीपति का कार्य बहुत सामान्य जोखिम युक्त कार्य है। अगला स्थिति, उद्यमी उपक्रम का स्वामी होता है। पूंजीपति उपक्रम में निवेश की स्थिति में होता है, वो स्वामी नहीं होता। कि पहले ही जरूर था कि पूंजी लगाता था, वही जो है प्रबंध भी करता था और वही संचालन भी करता था, तो वो मालिक भी होता था, लेकिन अब समय के साथ साथ ये सब अलग अलग हो गए हैं। अब प्रतिफल, उद्यमी का प्रतिफल उपक्रम से लाभ अर्जित करना होता है, यानी उसको लाभ मिलता है। पूंजीपति का प्रतिफल प्रायः ब्याज होता है, मतलब अगर कोई पूंजी उपलब्ध कराता है तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। किंतु कभी कभी वो लाभों में हिस्सा भी प्राप्त कर लेता है, पार्टनर बन जाता है तो उसको लाभों में हिस्सा मिल जाता है। फिर है लक्ष्य। उद्यमी में कुछ विशेष लक्ष्यों गुणों का होना आवश्यक है, जैसे सृजनशीलता, कल्पनाशीलता एवं उच्च महत्वाकांक्षा, जोखिम उठाने की क्षमता, ये जो है ये होना आवश्यक है। उद्यमी की प्रकृति में बताया गया कि वो सृजनशील होना चाहिए, यानी कुछ बनाने का, कुछ नया विचार लाने का कल्पनाशीलता होनी चाहिए, उसमें उच्च उपलब्धि की आकांक्षा होनी चाहिए। जबकि पूंजीपति में केवल सामान्य जोखिम उठाने की क्षमता ही पर्याप्त होती है, अन्य गुण का उसमें होना आवश्यक नहीं है। जोखिम, सामान्य जोखिम तो है ही कि अगर वो किसी को पैसा उपलब्ध कराता है तो उसकी पैसे को वापस लेने में या पैसे के ब्याज लेने में उसको परेशानी हो सकती है, लेकिन उसको अन्य कोई गुण होने के आवश्यक नहीं है। फिर है आय की निश्चितता। उद्यमी की आय अनिश्चित होती है क्योंकि वह लाभ होना निश्चित नहीं है, क्योंकि उसमें कोई लाभ हो, उद्यमी ने कोई काम स्टार्ट किया, कोई उद्यम लगाया, साधनों का संयोजन किया, उसने नया प्रयोग किया, वो सफल नहीं होता है तो लाभ नहीं होगा, असफलता भी मिल सकती है। पूंजीपति को आय प्राय निश्चित होती है, आय की निश्चितता होती है, क्योंकि उसको जिस हिसाब से उसने उसको पूंजी उपलब्ध कराई है, जिस ब्याज पे, तो उस हिसाब से उसको आय मिलती रहती है, उसको तो आय मिलेगी चाहे व्यवसाय को लाभ हो ना हो। फिर है आवश्यकता। फिर आवश्यक, उद्यमी व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था के विकास एवं विस्तार के लिए अनिवार्य है। उद्यमी तो अनिवार्य है, पूंजीपति व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। छोटे व्यवसाय तो बिना पूंजीपति के सहयोग से भी स्थापित एवं संचालित किए जा सकते हैं। बड़े उद्योगों की बात होती है, वहाँ पूंजीपतियों की आवश्यकता होती है। तो ये इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक था कि उद्यमी और प्रबंधक क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, और उद्यमी पूंजीपति में क्या अंतर होता है। धन्यवाद।